वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आलू अंडे की रेसिपी बनाऊंगी। मैंने प्याज काट ली है बारीक बारीक, अदरक, टमाटर, हरा लहसुन और मिर्च ग्रीन, और अब मैं आलू बारीक बारीक काट रही हूँ। तो फिर मैं ऑयल डालूंगी, ऑयल को गर्म करूंगी, फिर प्याज डालूंगी। तो फिर उसके बाद प्याज को ब्राउन करूंगी, फिर टमाटर, हरी मिर्च और हरा लहसुन, तो ये मैं फिर मैं डाल दूंगी उसके बीच में। फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे भूनेंगे, फिर मैं आलू डालूंगी। जब आलू नरम हो जाएंगे तो फिर उसमें मैं अंडे डालूंगी, फिर हल्का सा दम दूंगी, फिर धनिया डालूंगी, धनिया। तो फिर मेरी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। बाकी मैं फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। अब मैंने प्रेशर लिया है, इसमें मैं डालती हूँ ऑयल। तो ऑयल डाल के आए गर्म होता है तो प्याज डालूंगी, क्योंकि रात को हमारी दावत थी मेरी बेटी के घर तरफ, तो सब उधर गए हुए थे हम, तो काफ़ी खाना भी उधर से भी आया हुआ था, तो वो भी हमारा बचा हुआ है, पड़ा हुआ है खाना। तो थोड़े से आलू अंडे अपने मियाँ के लिए बनाऊंगी फ्रेश, और उसको रोटी बना के दूंगी, क्योंकि कल हमारा उधर दावत थी मेरी बेटी की तरह, सब लोग उधर जमा हुए थे। हाँ, काफ़ी बड़ी दावत थी उनकी। अब डालूंगी मैं प्याज, से आ रही थी दुबई से, फिर ज़ाहिर है उससे बात करना शुरू कर दी थी। वो कह रही थी कि मैंने 5 बजे सुबह बैठना है, तो 9 बजे मैंने सियालकोट एयरपोर्ट पे आ जाना है, तो उससे बातें शातें करती रही। तो फिर हम अब हमने इसमें ऐड किया है टमाटर, टमाटर के साथ ही हमने इसमें ग्रीन चिली और ग्रीन ऑनियन और अदरक कुटा हुआ सब कुछ ऐड कर देना है। तो इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। दही लगाने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि ये होता है दही रात का दूध हो ना, तो उसको गर्म करना है, गर्म करके उसको ठंडा करो, गर्म ज़रूर करो दूध, रात का पड़ा हो ना दूध फ्रिज में, उसको गर्म करके तो फिर उसकी जाग लगाओ, तो फिर बहुत ही मज़े का दही बनता है, बहुत मज़े का दही बनता है। मैं ये है कि अब हमारा रात का जो पड़ा हुआ था, क्योंकि बेटी की तरफ गए थे तो उधर से चाय वगैरह पी ली थी, तो अब हमारा दूध पड़ा हुआ है तो उसकी मैं अब जाग लगाऊंगी। पहले दूध को उबालूंगी, फिर उबाल के फिर मैं उसको ठंडा करूंगी, जब नीम गर्म होगा तो फिर उसमें जाग लगा के, एक मैंने जर्सी रखी हुई है उसमें मैं फिर लपेट देती हूँ, फिर बहुत अच्छा दही बनता है, 3 घंटे में दही बन जाता है। ज़रा सर्दियों में ज़्यादा टाइम लगता है, गर्मियों में जल्दी दही बन जाता है। ये देखो मेरा वो दही डाला था, वो भी उसका पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसको अच्छा सा भून लिया, अब मैं इसमें ना वो डालूंगी आलू, फिर आलू को अच्छा सा भूनूंगी। जब आलू गल जाएंगे तो फिर इसमें वो मैं डालूंगी अंडे। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, हवा चल रही थी बड़ी ठंडी ठंडी, और बारिश काफ़ी थी, बादल बहुत ऊँची गरज रहे थे, अलावा का बारिशों की ज़रूरत तो नहीं है, हमारी बार पैलियों में फसलें वगैरह भी लगी हुई हैं, तो ज़ाहिर है वो बारिशें होंगी तो वो ख़राब होंगी। तो अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश अब ख़त्म कर दे। नमक देना, मैंने हल्दी डाली है, सुरख मिर्च डाली है, अब धनिया पाउडर डालूंगी, उसके बाद फिर नमक डाल दूँ, इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करूंगी, फिर मैं इसमें दही दही देना, इसमें दही डालूंगी। मैं और मेरी बेटी दोनों हम बनाते हैं, मैं ना फारग हूँ, कुछ मेरी तबीयत ना ठीक हो तो
तो वो फिर ब्लॉग बना लेती है। हाँ जी, वो मेरे साथ हेल्प कराती है क्योंकि नया नया मेरा चैनल है, मुझे भी नहीं अभी इतना पता। चलो कुछ सीखेंगे ही है ना कुछ करेंगे। बंदा गलत कर कुछ ही फिर ठीक करता है काम। आज मैंने दही भी लगाना है, जाग भी लगाऊंगी आज मैं। पानी इसका सारा गिरा दिया है तो अब मैं इसको डाल के भून लेती हूँ। अंडे भी ला दूंगा। इसमें सब्ज मैंने लहसुन डाला है। हाँ जी, वो ग्रीन गिनी इसकी कूकिंग कहते हैं। हाँ जी, वो अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़मीनें वगैरह भी हैं तो उसकी भी मैं थोड़ी थोड़ी उसकी भी वीडियो सेंड करते हैं हम। हाँ जी, हमारी अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी। ये देखो कितनी प्यारी इसकी लुक है। ये ना नमाज अदा की है हमने, नमाज अदा करके अब मैं चेक करूंगी। आलू मेरे नरम हो गए हैं। तो अब मैं इसमें दो अंडे लिए हैं, दो अंडे डालूंगी इसमें। अंडा भी कम ही डालूंगी तो धनिया मैंने डाल दिया था, वो फ्रीजर में था ना तो उसमें बर्फ बनी हुई थी तो वो मैंने पहले इसमें डाल दिया था। हाँ जी, तो अब इसको मैं हल्की सी दम पे रखूंगी। तो साथ मेरी वो रूटीन, चार फुलके बनाऊंगी। तो अगर मेरी आलू वाली रेसिपी या आलू अंडे वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बना के इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे मुझे अच्छा लगेगा आप लोग बताएंगे ये रेसिपी कैसी लगी है। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी और साथ ही इसमें मैं हल्के से दम पे रखूँ से घी इस पर ऊपर आए ला लूँ। अगर मैं भी कोई भी वीडियो में गलती हो गई उसकी मैं माजरत चाहती हूँ। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेंगे और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और अल्लाह हाफिज़। इसके साथ साथ ही हमारी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमेशा हम कहते हैं कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कहीं सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। इसके साथ हमें ज़्यादा जजाक अल्लाह।